ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट मिल भी गए तो वो फाइटर पायलट कहां से लाएंगे। यूक्रेन के पास चार तरह के फाइटर रहे हैं, MiG-29, Sukhoi-24, Sukhoi-25 और Sukhoi-27। ये सभी सोवियत संघ के दौरान बनाए गए विमान हैं, जो या तो युद्ध में करीब करीब खत्म हो चुके हैं या अब चुनिंदा ही बचे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की लगातार फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की को जहाज मिल भी गए तो उनको उड़ाएगा कौन, क्योंकि पुतिन के हमले में यूक्रेन की वायुसेना के बेहतरीन और अनुभवी पायलट भी मारे जा चुके हैं। अब उनके पास बहुत ही यंग यानी नए पायलट भी बचे हैं, जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है। और अगर ज़ेलेंस्की को नेटो से नए जहाज मिले भी तो वो पश्चिमी टेक्नोलॉजी वाले होंगे और उन पर ज़ेलेंस्की के लिए ट्रेनिंग देना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन की एयर पावर को खड़ा करने के लिए तीन बड़े चैलेंज है। पहला, यूक्रेन को नेटो से लड़ाकू विमान मिलने चाहिए ताकि रूस को काउंटर कर सके। दूसरा, विमान उड़ाने के लिए फाइटर पायलट चाहिए, क्योंकि पायलट के बिना विमान किस काम का। तीसरा, पायलट को तैयार करने के लिए वक्त यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। इसमें 3 महीने उड़ाने की ट्रेनिंग और अगले 3 महीने उसे उड़ाकर बमबारी या लड़ने की ट्रेनिंग शामिल है। एयरफोर्स को लेकर यही चुनौती ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह बन गई है, क्योंकि यूक्रेन की वायुसेना अब तक सोवियत टेक्नोलॉजी वाले विमान ही उड़ाती आई है। उसके पास नेटो के जहाज आज की तारीख में आ भी जाएंगे तो वो उनको फौरन ना उड़ा पाएंगे और ना ही उन्हें उड़ाकर रूस की वायुसेना का मुकाबला कर पाएंगे। अभी यूक्रेन के पास MiG-29 और Sukhoi-27, ये दोनों एयर इंटरसेप्टर यानी रूस के विमानों को रोकने में काम आए। इसके अलावा Sukhoi-24 और Sukhoi-25, ये दोनों ग्राउंड अटैक फाइटर रूस के मोर्चों पर बमबारी में इस्तेमाल हुए। लेकिन अब मुश्किल नहीं है, यूक्रेन को जहाज भी चाहिए और उन्हें उड़ाने वाले पायलट भी चाहिए। ज़ेलेंस्की के सामने 3 फाइटर जेट हैं। ये उनकी डिमांड भी है, ऑफर भी है, जो मंजूर भी हो सकते हैं और कैंसल भी। इसमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, दूसरा नाम है मिराज 2000 का और तीसरा नाम सामने आया है यूरोफाइटर टाइफून का। ज़ेलेंस्की को बताया गया है कि पुतिन से बचने के लिए उनके पास इन तीनों में से एक ही विकल्प बचा है, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद ऐसी कि वो अब तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। ज़ेलेंस्की युद्ध जीतने के लिए या कहें कि रूस से बचने के लिए तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को F-16 भी चाहिए, जो अमेरिका का बेहतरीन लड़ाकू विमान है, लेकिन बाइडन ने साफ साफ मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की को मिराज 2000 भी चाहिए, जो फ्रांस का मशहूर और कामयाब फाइटर जेट है, लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने ना हां कहा है ना ही मना किया है। ज़ेलेंस्की को नई जनरेशन का यूरोफाइटर टाइफून भी चाहिए। हालांकि ब्रिटेन ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि विमान पर ट्रेनिंग देने पर ही बहुत वक्त लग जाएगा। ज़ेलेंस्की के सामने तीनों फाइटर के ऑप्शन तो हैं, लेकिन ये बात साफ है कि उनको ये जहाज मिलने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। वो भी जानते हैं कि फाइटर जेट तो अब सिर्फ झुंझुने के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका समेत नेटो के बड़े बड़े देश या तो इनकार करके बात आगे बढ़ा रहे हैं या तो बहुत हिचकते हुए कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट की बहुत ज्यादा जरूरत तो है, लेकिन इस युद्ध के लिए उन्हें ट्रेनिंग इतनी जल्दी कौन देगा। ज़ेलेंस्की को F-16 नहीं मिला तो मुमकिन है कि फ्रांस में मिराज 2000 को लेकर ज़ेलेंस्की की दाल गल जाए। मैक्रों ने मिराज को लेकर सिग्नल तो पॉजिटिव दिया है, लेकिन उनकी बातों में भी हिचकिचाहट है, क्योंकि ये बात यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही बहुत साफ थी कि नेटो चाहे जितनी पुतिन से दुश्मनी मोल ले, इमैनुअल मैक्रो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट जाने से घबराते हैं। फ्रांस नहीं चाहेगा कि पुतिन ने जिस तरह ब्रिटेन को धमकाया है, ऐसे में गुस्से की चपेट में वो भी आए। ज़ेलेंस्की की डिमांड देखते हुए तीन बातों में फ्रांस की नीयत साफ साफ झलक रही है। वो मिराज या किसी और तरह के फाइटर के लिए बहुत बच बचाकर कदम उठाना चाहता है। पहली ये कि यूक्रेन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर लड़ाकू विमानों की मांग नहीं की गई है। दूसरी बात ये कि विमानों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं होगा और यूक्रेन उनसे सिर्फ अपनी हिफाजत करेगा। और तीसरी बात ये कि यूक्रेन को विमान देने से खुद फ्रांस के पास हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए।
मिराज 2000 फाइटर्स को लेकर फ्रांस की फिक्र अपनी जगह और रूस के फाइटर जेट्स के बढ़ते हमलों को लेकर ज़ेलेंस्की की टेंशन अपनी जगह है, क्योंकि अब तो रूस के साथ बेलारूस की तरफ से भी एयर अटैक का खतरा है। रूस और बेलारूस की वायुसेनाएं एक साथ अभ्यास कर रही हैं और यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के दौरान दोनों देश और करीब आ गए हैं। पुतिन अब अपने फाइटर जेट्स बेलारूस में भी तैनात रखना चाहते हैं ताकि यूक्रेन पर उत्तर की तरफ से भी पूरा दबाव बनाए रखा जाए। रूस की एयर पावर को रोकने के लिए आपको एक बार फिर दिखाते हैं ज़ेलेंस्की के विकल्प। ज़ेलेंस्की को F-16 के लिए बाइडन ने मना कर दिया है। ये अमेरिका का बेहतरीन लड़ाकू विमान है जो रूस के सुखोई फाइटर्स को टक्कर दे सकता है। ज़ेलेंस्की को मिराज 2000 चाहिए। इसमें लगी एयर टू एयर मिसाइल रूस के फाइटर्स के लिए खतरा बन सकती है और फ्रांस इसीलिए इन्हें देने की बात पर खुलकर बोलने से बच रहा है। ज़ेलेंस्की के सामने यूरो फाइटर टाइफून भी है, लेकिन फ्रांस वाला खतरा ब्रिटेन को भी है और उसने भी बहाना बनाकर ज़ेलेंस्की को समझिए कि ना ही कह दिया है। ज़ेलेंस्की इसलिए भी उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि बहुत से हथियार जो जर्मनी और अमेरिका खुद नहीं दे पाए हैं वो ज़ेलेंस्की को पोलैंड के रास्ते मिले हैं। इसलिए पोलैंड अपने F-16 देकर यूक्रेन की मदद कर सकता है, लेकिन फाइटर जेट एक बहुत ही आक्रामक प्लेटफॉर्म होता है। इसके ऑपरेशन का दायरा कुछ 100 किलोमीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का होता है। ऐसे में डर यही है कि अगर पोलैंड के रास्ते भी ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट्स मिल गए तो वो उससे रूस के अंदर तक हमला करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस के दो मिलिट्री बेस और रिफाइनरी पर पहले भी यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए हैं। ऐसा दावा पुतिन की फौज कर चुकी है। तो ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट्स वाली डिमांड पर अमेरिका ने ना कह दिया है, ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया है, जर्मनी ने भी हवा हवाई बात कह दी है, फ्रांस की तरफ से भी गोलमाल जवाब मिला है। सवाल है कि फ्रांस के पास कितने मिराज 2000 फाइटर जेट हैं कि वो ज़ेलेंस्की को भी उनमें से कुछ ट्रांसफर कर दे। क्या मैक्रों के पास इतनी गुंजाइश है? फ्रांस के पास 100 से ज्यादा मिराज 2000 फाइटर जेट हैं। इसमें 66 ग्राउंड अटैक वेरिएंट हैं, जबकि करीब 25 एयर डिफेंस रोल में काम आते हैं। अब फ्रांस इन्हीं 25 में से यूक्रेन को फाइटर जेट दे सकता है। क्योंकि यही ज़ेलेंस्की की जरूरत है और ग्राउंड अटैक वाले जहाज देने का मतलब होगा कि वो रूस के ठिकानों पर भी बमबारी करेंगे, जबकि एयर डिफेंस फाइटर सिर्फ रूस के विमानों को काबू करने में काम आएंगे। देखा जाए तो नेटो क्या, ज़ेलेंस्की भी क्या करेंगे? अगर वो हथियार नहीं मांगेंगे तो उनके सामने रूस के फाइटर जेट हैं जो आए दिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसी खतरे को खत्म करना चाहते हैं। इनमें चाहे पुतिन के फाइटर जेट हों या फिर पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर, रूस की एयर पावर 2400 घंटे यूक्रेन पर खतरे की तरह मंडरा रही है। यही ताकत है जिसे दिखाकर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कम में वो मानने वाले नहीं है।